हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में आप आइडियल्स एंड कंपेंसेटर में रियल पावर का इक्वेशन हमने डिराइव किया था। तो इस वीडियो में क्या नया है, इस वीडियो में हम रिएक्टिव पावर का इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टू मशीन मॉडल निकालना है। दिस इज सेंडिंग इन मशीन और इसका वोल्टेज है VS। और हम क्या करेंगे, जो ट्रांसमिशन लाइन है वो ट्रांसमिशन लाइन को हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे। वो इसलिए कि सिंप्लिसिटी के लिए। तो ये हो गया JXL/2। उसके बाद ये नेक्स्ट सेगमेंट JXL/2 और ये यहाँ पे आ जाएगा अपना रिसीविंग एंड मशीन, दैट इज VR। तो एक सिंपल ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, सिंपल पावर सिस्टम। तो हम क्या करेंगे, जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट में आइडियल रिएक्टिव पावर कंपेंसेटर लगाएंगे। तो ये आइडियल रिएक्टिव पावर कंपेंसेटर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, उसका वोल्टेज जो रहेगा ये VM रहेगा। और ये VM विच इज़ इन फेज विथ मिडल, यहाँ का जो वोल्टेज है उसके फेज में VM रहेगा। और VM की जो फ्रीक्वेंसी है, जो VS और VR की फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वही सेम इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी। फॉर एग्जांपल VS की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स है तो VM की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स ही रहेगी। इस पॉइंट का हम ES नाम देंगे, ये लास्ट जो पॉइंट है ये R, और जो मिडल पॉइंट है वो उसको हम EM इंडिकेट करेंगे। जो फर्स्ट सेगमेंट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है ISM, सेकेंड सेगमेंट में जो करंट फ्लो होगा जो है IMR। और ये जो करंट कंपेंसेटर जो करंट ले रहा है उसको हम लेंगे आईशंट नाम देंगे। तो ठीक है, ट्रांसमिशन सिस्टम दो सेगमेंट में डिवाइड हो गई, दैट इज दिस इज फर्स्ट हाफ सेगमेंट एंड सेकंड द रिमेनिंग इज सेकंड हाफ सेगमेंट। तो यहाँ पे जो नोमेनक्लेचर है वो हम लिख देंगे, दैट इज VS इक्वल टू सेंडिंग एंड वोल्टेज VR इक्वल टू रिसीविंग एंड वोल्टेज ISM करंट फ्लोइंग फ्रॉम VS टू VM IMR करंट फ्लोइंग फ्रॉम VM टू VR आइशंट करंट टेकन बाय VM। ओके, XL इज द इंडक्टिव लाइन रिएक्टेंस विच इज इक्वल टू ओमेगा L। L इज द इंडक्टेंस ऑफ द लाइन। और द XL को क्या किया हमने, दो दो पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज XL/2 XL/2। क्यों किया, क्योंकि सिंप्लिसिटी के लिए किया। तो इसके जो फेजर डायग्राम है वो फेजर डायग्राम हम निकालेंगे, दैट इज तो इसके फेजर डायग्राम जो रहेगी वो इस टाइप की रहेगी। ये रहेगा VS, ये रहेगा VR और ये भी रहेगा VM। जो VS है वो VS जो है वो VS एट एन एंगल ऑफ डेल रहेगा और VR एट एन एंगल ऑफ जीरो मान लेंगे हम ऐसे। तो इसका जो एंगल रहेगा वो DL/2 रहेगा और इसका जो एंगल रहेगा डेल, इसका एंगल रहेगा जीरो। और उसके बाद ये जो ये करंट है IMR और ये फर्स्ट करंट है ISM और ये दोनों करंट इक्वल मैग्नीट्यूड के रहेंगे। और ये जो करंट है ये रहेगा आई शंट।
ओके तो ये जो ड्रॉप रहेगा, दिस इज अ ड्रॉप ड्रॉप वोल्टेज दैट इज जे एक्स एल बाई टू आई एम आर एंड दिस ड्रॉप वोल्टेज जे एक्स एल बाई टू आई एस एम। ये पूरा एंगल डेल है, ये डेल को हमने डेल को डिवाइड हुआ है, दिस इज डेल बाई फोर डेल बाई फोर डेल बाई फोर डेल बाई फोर। तो रिएक्टिव पावर हमें निकलना है, रिएक्टिव पावर प्रोवाइडेड बाय आइडियल मिड पॉइंट शंट कंपेंसेटर। और सो क्यूपी हम उसको लिखेंगे। हमें पता है कि रिएक्टिव पावर निकालते कैसे, दैट इज वी आर एम एस आई आर एम एस वी आर एम एस आई आर एम एस साइन ऑफ एंगल बिटवीन वी 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 फेजर एंड आई फेजर। सो वी आर एम एस आई आर एम एस ये जो एंगल रहेगा ये 90 रहेगा। क्यों? बिकॉज द आइडियल शंट कंपेंसेटर बिहेव्स लाइक अ कैपेसिटर, और कैपेसिटर में कैसा रहता है, करंट लीड्स द वोल्टेज विच इज बाय व्हाट एंगल, इट इज ऑफ 90 डिग्री। सो दैट इज व्हाई आई हैव टेकन द 90 डिग्री। दिस इज वी एम, दिस इज आई शंट, दीज आर द आर एम एस वैल्यूज, दे आर साइन 90 साइन 90 वी नो दैट द वैल्यू ऑफ साइन 90 इट इज अ 1। सो वी एम आई शंट। सो नाउ हाउ टू कैलकुलेट द आई शंट। तो हमने जो फेजर डायग्राम निकाली थी, ये जो फेजर डायग्राम है उसको हम थोड़ा बड़ी करके निकालेंगे। तो ये रहे, ये अपना है आई एम आर, ये है आई एस एम, और ये जो एंगल है ये जो करंट है ये आई शंट है। तो हम इसको परपेंडिकुलर निकालेंगे। देखिए ये जो पूरा ट्रायंगल है ये आइसोस्कलस ट्रायंगल है, बिकॉज ये जो लेंथ है इक्वल टू ये लेंथ है, और ये जो एंगल है ये है डेल बाय फोर डेल बाय फोर। तो ये जो हाफ करंट रहेगा इसको बोलेंगे आई शंट डिवाइड बाय टू, और ये जो है ये भी रहेगा आई शंट डिवाइड बाय टू। तो इस फेजर डायग्राम में थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे। ये डेल बाय फोर है तो साइन डेल बाय फोर क्या रहेगा, साइन डेल बाय फोर, साइन का डेफिनेशन क्या रहता है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस। ओके तो साइन डेल बाय फोर की अपोजिट साइड हो गई, इतना ही ट्रायंगल लेने वाले हैं हम। मैं जो ट्रायंगल दिखा रहा हूँ इतना ही ट्रायंगल लेने वाले हैं, और ये जो ट्रायंगल है ये है राइट हैंड साइड ट्रायंगल, बिकॉज इसमें जो 90 डिग्री है तो इसलिए हम साइन डेल बाय फोर निकाल सकते हैं। साइन डेल बाय फोर इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो डेल बाय फोर की जो अपोजिट साइड है वो है आई शंट डिवाइड बाय टू, और जो हाइपोटेनस है तो यह हाइपोटेनस है आई एस एम। तो ये हो गया आई शंट अपॉन टू आई एस एम साइन डेल बाय फोर यहाँ पे। सो आई शंट की जो वैल्यू है वो वैल्यू अपने को निकल जाएगी टू आई एस एम साइन डेल बाय फोर। ओके तो ये इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, और हमें ये भी पता है कि आई शंट इक्वल टू आई एस एम की वैल्यू क्या हमने निकाली थी, जो मेरे पिछले वीडियो में फोर वी बाय एक्स साइन डेल बाय फोर, और ये रिमेनिंग साइन डेल बाय फोर ऊपर का नीचे आ जाएगा। सो ये टू इंटू फोर एट हो जाएगा, एट वी अपॉन एक्स साइन डेल बाय फोर साइन डेल बाय फोर ये हो जाएगा अपना साइन स्क्वेयर डेल बाय फोर। तो यह आई शंट की वैल्यू हो गई। तो ये वैल्यू अपन इस पिछले इक्वेशन
जो हम डिराइव करके आए थे इस इक्वेशन में डालेंगे। यह है वी एम एन, और मैंने पहले ही बताया था कि वी एम की वैल्यू जो रहेगी वो वी एस और वी आर के मैग्नीट्यूड इतनी ही रहेगी, ओनली फेज डिफरेंस में, फेज में डिफरेंस हो आएगा। तो यहाँ पे हम ओनली मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो वी एम को मैं वी लिख रहा हूँ, और वी वी जो मैग्नीट्यूड है वो वी एस की भी है, वी एम की भी है और वी आर की भी है। ओके, सो आई शंट की वैल्यू जो मैंने अभी निकाली थी, तो वी 8 वी अपॉन एक्स साइन डेल स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर डेल बाय फोर, तो ये क्या हो जाएगा 8 वी स्क्वेयर अपॉन एक्स साइन साइन स्क्वेयर डेल बाय फोर। तो हमें पता है कि साइन स्क्वेयर थीटा को हम 1 माइनस कॉस थीटा में भी लिख सकते हैं, तो वही हम ट्राई करेंगे। 8 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 4 वी स्क्वेयर अपॉन एक्स, और जो है 2 इधर लिख साइन स्क्वेयर डेल बाय फोर। सो 2 साइन स्क्वेयर थीटा क्या रहता है, 2 साइन स्क्वेयर थीटा इट इज़ 1 माइनस कॉस, सो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी नॉट थीटा बाई टू, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2। ये जो फार्मूला वही हम ट्राई करेंगे, 4 वी स्क्वेयर अपॉन एक्स, और ये रहेगा 1 माइनस कॉस डेल बाई 2, बिकॉज डेल बाई 4 को हमें 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, तो ये डेल बाई 4 आ जाएगा, और ये आपका है अपना इक्वेशन। तो सो इक्वेशन आ गया, ये जो रिएक्टिव पावर है ये रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय और आइडियल शंट कंपेंसेटर, ये उसी का इक्वेशन है।